दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की एकात्मता सप्ताह के रूप में शोध पीठ के सभागार में आयोजित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे एकात्मता सप्ताह के पहले दूसरे दिन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता का मुख्य विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन विकास का एक मार्ग पर छात्र छात्राओं ने पक्ष में और विपक्ष में अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज श्री गौड़, डॉक्टर सर्वेश कुमार, डॉक्टर मीतू सिंह और दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर गौरवपुर्णी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, अभी राजा जी बाद में थोड़ा सा ये ध्यान देंगे दोनों लोग, थोड़ा सा इन लोगों का जो कथन होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पड़ती है और उसके उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीनदयाल शोध पीठ ने एक साप्ताहिक कार्यक्रम की योजना बनाई है। आज उसका दूसरा दिन है। आज के दिन में दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है वह विकास का एक रास्ता है ऐसा मानकर जो है वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो यह बात कहने वाले हैं कि दीनदयाल जी द्वारा बचाए गए विचार विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आज विश्व के अंदर तमाम समस्याएं चल रही हैं, चाहे पूंजीवाद की समस्या है चाहे साम्यवाद की समस्या है, बीच का एक ऐसा मार्ग जो पूरे विश्व को विकास के सही रास्ते पर ले जा सकता है वो दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन से आता है, ऐसा कुछ पक्ष में बोलने वाले हैं। कुछ ज़रूर ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये भाव होगा कि नहीं, दीनदयाल जी का मॉडल उतना सक्सेस नहीं है जितना आज की ज़रूरत है। तो आज बच्चों के से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा विचार आता है, दीनदयाल जी के विचार ही पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं है, इस पर आज बच्चे वाद विवाद की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।